thank mm -hmm. you अल्लाहकम फ्रेंड्स वेलकम टू परवीन लाइफ स्टाइल आज मैं आपके साथ ढोकले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इजी वे में बनाने वाली हूँ तो देख सकते देख सकते हो आप लोग काफ़ी टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं एक बर्तन लेना है बॉल लेना है इसके अंदर वन कप पानी ऐड करेंगे और आधा कप शक्कर ऐड करना है इसके बाद साइट्रिक एसिड भी ऐड करना है हाफ टेबल स्पून ये नींबू का फूल होता है उसको एक साइट्रिक एसिड कहा जाता है और वन पिंच नमक भी ऐड करना है इसके बाद हाफ टेबल स्पून हल्दी भी ऐड करेंगे अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए और इस तरह इसको आपस में सारी चीज़ें मिल जाए इसके बाद इसके अंदर ऑयल भी ऐड करना है टू टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे इससे हमारा ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनता है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दो कप बेसन भी ऐड करना है इसके अंदर इसके बाद इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे इसको बैटर बना लेना है इस तरह बेसन का थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें इसके बाद इसको साइड में कर देंगे हम और एक मोल्ड लेना है इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह इसके बाद बैटर को वापिस हम अच्छी तरह वापस खोल लेंगे और इसके अंदर इनो भी ऐड करना है आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो इनो का इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह इनो डालने के बाद देख सकते हो आप लोग ये काफ़ी गाढ़ा होते जा रहा है बैटर और इसका कलर भी चेंज हो रहा है इस तरह इसको मोल्ड के अंदर ऐड कर देंगे ये बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए और अभी स्टीम करने के लिए इसको रखना है एक बर्तन में एक बर्तन में मैंने पानी रखा था उसके ऊपर उसके अंदर ये रख देना था पंद्रह से बीस मिनट के लिए इसको हम स्टीम करने के लिए रखेंगे अभी हम वापस से चेक कर लेते हैं तो देख सकते हो आप लोग नाइफ़ काफ़ी क्लीन हो गया है क्लीन से निकला हुआ है एकदम क्लीन है तो ये हमारा हो चुका है ढोकला अभी हम इसको चारों तरफ से इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह एक बर्तन में रख कर इसको पलट देना है तो देख सकते हो काफ़ी स्पंजी सा ये बना हुआ है काफ़ी जालीदार लग रहा है ये ढोकला इस तरह इसको हम कट कर देंगे इस तरह बर्फ़ी की शक्ल में मैंने इसको कट किया था और काफ़ी एकदम इजी वे में कट हो जाता है अभी हम इसको साइड में रख देंगे अभी एक फ्राई पैन लेना है इसके अंदर ऑयल लेंगे राई का दाना ऐड करना है इसके अंदर और कड़ी लीव लेना है कड़ी पत्ते की लीफ है ये और ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसके बाद इसके अंदर पानी भी ऐड करना है और वन कप शक्कर भी ऐड करेंगे और इस तरह इसको अच्छी तरह से पका लेना है ताकि शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ढोकले के ऊपर डालना है इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से अच्छी तरह से इसके अंदर डाल देना है और कोतमीर की पत्ती भी है बारीक कटी हुई भी ऐड करना है इसके अंदर देख सकते हो काफ़ी स्पंजी सा बना हुआ है ये ढोकला तो फ्रेंड्स आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए थैंक्स फॉर अल्लाह हाफिज़